उल्टेंगे पुलटेंगे। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ईद के लिए स्पेशल सेवइयाँ बनाएंगे, वो भी बिना दूध के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून के आसपास घी या बटर। मेरा कोकोनट ऑयल है तो आप फील फ्री, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये लेवल लिया है एक टेबलस्पून। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मेवे, जो कि कुछ यूँ है कि डेढ़ टेबलस्पून चॉप की हुई बादाम है, एक टेबलस्पून काजू है, एक टेबलस्पून नारियल कटा हुआ है, एक टेबलस्पून पिस्ते हैं और दो टेबलस्पून किशमिश है। मुझे तो दिल चाहता है कि किशमिश मैं 100 टेबलस्पून डाल दूँ। मुझे और मेरे हबी को सेवइयों में किशमिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो मेवे मैंने लिए, ज़रूरी नहीं आप इसी हिसाब से लें, आपको कम लेना हो, ज़्यादा लेना हो, ना लेना हो, सेवइयाँ चीज़ ऐसी है कि ना डालोगे सिर्फ किशमिश डालोगे तो भी हेवन लगेगी। तो चले इसे हम भूनेंगे। किशमिश के अलावा इस वक्त सभी डाल देते हैं और फ्लेम लो ही रखी हुई है हमने, तो बस इसे हम 2 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू उसमें से रिलीज़ हो जाए। आप चाहें तो ये पिस्ते जो मैंने ऑलमोस्ट साबुत साबुत डाले, आप इसको कतर के डाल सकते हैं, जिससे भी आपका दिल चाहे। मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं तो मैंने इस तरह डाल दिए। वैसे मैंने सेवइयों का ज़रदा टाइप की चीज़ बनाई है, चाशनी वगैरह जैसे बनाते हैं वो इस तरह स्पेशल करके, तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक ये देती हूँ। और ये वाली जो है ये बिल्कुल सिंपल वाली है और इसमें दूध भी नहीं है। देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब इसमें इस पॉइंट पर हम किशमिश डाल देते हैं। किशमिश फास्ट हो जाती है इसलिए साथ नहीं डाली। वैसे मैंने शीर खुरमा भी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे और यहाँ भी दे देती हूँ, वो भी देखिएगा। ईद हो और सेवइयाँ ना हो पॉसिबल नहीं है। अधूरी है ईद। मुझे तो ये डिज़र्ट्स, जितने भी आलीशान डिज़र्ट्स के सामने ये बेस्ट लगते हैं, और स्पेशली मुझे ये प्रेगनेंसी में बड़े अच्छे लगते थे। शीर खुरमा भी और सेवइयाँ भी। चले अब इसे निकाल लेते हैं, चूल्हे को स्लो कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और अब इसी में जो घी थोड़ा सा रखा हुआ है इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून के आसपास घी। एक तो ये कोकोनट जो ऑयल होता है ना उसकी खुशबू ही खुद इतनी अच्छी होती है। और यहाँ देखें हमारे पास है सेवइयाँ जो कि 150 ग्राम्स है, तो ये बैग खोलने से पहले इसको इसमें ही क्रश कर दें। वो जो बाहर निकल के करते हैं ना तो मैस बहुत होता है, तो ये इसी में जितना आपका दिल चाह रहा है इतने कर दें। बहुत छोटे करने हो, बड़े करने हो, दरमियाने करने हो, फील फ्री। तो अब ये इसमें डाल देंगे। सेवइयाँ हमारी रोस्टेड ही है लेकिन इसको फिर भी थोड़ा रोस्ट करेंगे तो वो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। इसको लगातार चलाएंगे अदरवाइज़ ये जल जाएगी फास्ट। पैन भी हमारा गर्म ही है तो तवज्जो देनी होगी। इस वक्त हमने फ्लेम लो ही रखी है क्योंकि पैन गर्म था ना, हाई करेंगे बहुत फास्ट ब्राउन हो जाएगी और अनइवन होगी। तो देखिए सेवइयों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। तो शक्कर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना मीठा खाना है। मैं आधा कप डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून 6 टेबलस्पून जितनी भी फील फ्री डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे।
और अब इसमें डालेंगे 1/4 teaspoon इलायची का पाउडर, 1/few drops of kevda, ये एसेंस है इसलिए फ्यू ड्रॉप्स, अगर आपका वाटर है तब आप 1 teaspoon डाल सकते हैं, मैं इसमें डालूंगी 2-3 बूंदे, एक्जॉटिक खुशबू आ जाती है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 cup पानी, अच्छे से मिलाएंगे, फ्लेम हमारी लो ही है। और अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 से ज़्यादा हमारे मेवे, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। और अब इसे कवर कर देंगे, फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट हो गए, ये स्टीम जो है इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा इसको उल्टेंगे पुलटेंगे, अगेन कवर करेंगे और 2-3 मिनट्स तक कुक करेंगे। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद, और ये देखें कैसी खिली खिली सी हमारी सेवैया रेडी हो गई। कुछ भी आपको लगता है टुगेदर हो गई है तो उसको आप सेपरेट कर लें, लेकिन सब खिली खिली है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, परफेक्ट है। तो चलें डिश आउट करते हैं। इतनी खतरनाक खुशबू आ रही है। और अब इसमें ये ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी खतरनाक सी पानी वाली सेवैयां बन गई। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए मुझे यही मज़ा आता है कि सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट नज़र आ रही होती है। खुशबू इतनी ख़तरनाक है। अब जो मुंह में जाता है सेवैयों का जो टेक्सचर सेपरेट वाला, ख़तरनाक लगता है। तो ये जो है ना बेसिकली मीठे साइड पे, हमें सेवैयाँ मीठे साइड पे ही पसंद है, मुझे और हबी को और सना को सबको। अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो आप 4 से 6 टेबलस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मीठा खाना है ये परफेक्ट है। और ये बाइट आप लोग के लिए। अब बनाएंगे ना पागल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेवैयाँ जैसे कुक नहीं हुई है तो पानी का छींटा जैसे हाथ में लेके ही उससे स्प्रिंकल करते हैं ना, मैंने स्टीम वाला कैसे डाला था, तो इस तरह से स्प्रिंकल करके और दम पे 1-8 मिनट और छोड़ दें, बाकी परफेक्ट बनेगी, मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ मज़े करें और ईद को दोबाला कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट जाऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।